विशाल अंकल आप अभी तक सोए नहीं? हाँ बेटे तुम्हारी राह तक रहा था। जी कहिए। बेटे ये कुछ दवाइयां हैं मधु के लिए, इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें इस बात का एहसास रहे कि वो बीमार है। ये सुहाग रात बस दिखावे की सुहाग रात है, किसी हालत में मधु को मां नहीं बनना चाहिए, समझ गए ना? जी अंकल। बी केयर। हाँ जी। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक नहीं है? तबीयत खराब है। दवा दी अंकल ने? खा लीजिए। नहीं नहीं मैं खा चुकी हूँ। अच्छा किया, नींद नहीं आ रही? आ रही है बहुत जोरों से। तो फिर सोएं? हाँ। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। नहीं 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 उसकी क्या जरूरत है, ऐसे ही ठीक है, अच्छे लगते हैं। ओके। ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, अब ये क्या करने वाला है, कैसे भगाऊं इसे? आज तो मर गए, क्या करूं? सो जाओ। बेचारे की सुहाग रात को बैराग की रात में बदल ही दिया। सुनिए। अब क्या हुआ? जी मैं आपको गुड नाइट कहना तो भूल ही गई। गुड नाइट। गुड नाइट। मधु बेबी, मधु बेबी, बेबी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नानी। बेबी हम कितना खुश है कि तुम्हारा शादी हो गया। खुशी का मारे हमको नींद पर नहीं आया, रात भर सोचता रहा कि तुमको कितना अच्छा हस्बैंड मिला है। कल तुम्हारा सुहाग रात था, अच्छा था ना? हाँ एक्सीलेंट, मजा आ गया नैनी। रियली? हाँ सारी टेंशन ही निकल गई, बदन पूरी की तरह हल्का हो गया। चुप भी रहो बेबी, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं रहा? अरे इसमें शर्म की क्या बात है नैनी, सच तो कह रही हूँ। सच तो सारा वर्ल्ड जानता, ढोल बजाने का क्या जरूरत, सबको मालूम है कि सुहागरात को क्या होता। धत तेरे की, जो तुम सोच रही हो वो बात नहीं है नैनी, मैंने सुहाग रात को बैराग की रात में बदल दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि बीमार होने का ऐसा नाटक किया कि वो जिंदगी भर मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करेगा, बेचारा जाके सोफे पे सो गया। What? Of course, विटामिन के टैबलेट्स को वो कैंसर की दवाई समझ रहा है। बेबी ये बात अच्छा नहीं है। अब अच्छा है या बुरा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि बड़ा मजा आ रहा है। अंकल ने भी क्या नाटक किया नैनी, तुम और तुम्हारा अंकल दोनों को न जाने कब अकल आएगा। किसी बेचारे का ऐसा मजाक करना अच्छी बात नहीं है बेबी, हम जाकर उसको सब बता देगा। ओ नो नैनी, सब गड़बड़ कर दोगी, थोड़ी देर तो मजा लेने दो। तुम दोनों मजा करो और वो बेचारा छोकरा। जी जी मैं। जी हाँ आप विशाल, आज से इस कुर्सी के मालिक आप हैं, समझे आप?
और इस कंपनी की बागडोर आपको संभालनी होगी। मधु के डैडी मेरे दोस्त विक्रम खन्ना इस पे बैठा करते थे, आज उनके दामाद विशाल बैठेंगे। आइए बैठिए, हम देखें तो सही कि आप लगते कैसे हैं इस कुर्सी पर। बैठो भाई, डरने की क्या बात, आओ। राइट, गुड गुड गुड। मैं बहुत थक गई। आखिर कब तक बेचारे विशाल का इम्तिहान लेती रहोगी? इम्तिहान तो चल रहा है, लेकिन रिजल्ट कब निकलेगा? देखते हैं। अच्छा, एक महीना हो गया है, बेचारे की हालत सांप छुछुंदर जैसी है, न उगल सकता न निगल सकता है। तो शादी करने के लिए भी वही मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी उसके पास। अब बस भी कर, बता दे उसे ये सब झूठ है। चुप, मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। तो तू कर लेना उसे शादी। आ जाने दो उसे, बात कर लेते हैं। अरे बाप रे, 5 बज गए, चलो तुम लोग किसको यहाँ से विशाल आने वाला है। अपने बलमा का कैसा इंतजार हो रहा है। ओ शट अप एंड गेट लॉस्ट। चलो ओके बाय। गुड इवनिंग नैनी। गुड इवनिंग। आ गए बेटा। हाँ, मधु कहाँ है? अपना रूम में। अच्छा, बेचारा थक कर आया है और अब शुरू होगा दूसरा नाटक। बेटा तू आ गया। हाँ माँ, कैसी तबीयत है अब तेरी? मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। भला हो बेचारी बहू का जो मेरा हर वक्त ख्याल रखती है। कौन? मधु। और कौन सी है मेरी बहू? आज तो उसने हद ही कर दी, खुद भी बच्चों की तरह भागती रही और मुझे भी भगाती रही। क्या? हाँ, रोज सैर कराने ले जाती है मुझे। आज तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कभी बीमारी नहीं थी। हाथ पकड़ कर बोली, तेज तेज भागो। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? वो खुद भी तो मेरा मतलब है तुम बीमार रहती हो ना, इसलिए। मैं तो भली चंगी हूँ, तू अब मेरी चिंता छोड़। तेरी चिंता कैसे छोड़ू माँ, तू ही तो मेरा सब कुछ है। अरे हाँ, आज मुझे तनख्वाह मिली है, मेरी पहली तनख्वाह। माँ रख ले। चुक चुक जियो मेरे लाल, लेकिन बेटी ये पगार अब तू मधु को दे दे। क्यों, मधु को क्यों? इसलिए कि वो तेरी पत्नी है बेटी, पति की कमाई पर उसकी औरत का हक होता है। और मेरी अच्छी अच्छी माँ का कोई हक नहीं होता? माँ को तो अपने बच्चों के प्यार की जरूरत होती है, वो तो मुझे मिल रहा है। ले बेटे, ये तनख्वाह तू मधु को दे दे, वो बहुत खुश हो जाएगी। ये क्या है? ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई। वेरी गुड। माँ को देने क्या था, माँ ने कहा कि अब यह तनख्वाह तुम्हें दे दूं, क्योंकि इस पर अब तुम्हारा अधिकार है। और हाँ,
किसने कहा था माँ के साथ इतनी भागदौड़ी करने के लिए? तो माँ ने बता दिया तुम्हें? जी हाँ, सब बता दिया, मगर जब तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक ना हो, मेरा मतलब है कि इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत थी मधु? मैं तो माँ को खुश कर रही थी, उनकी सेवा से बहुत सुख मिलता है मुझे। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी माँ के साथ हंस बोल? नहीं मधु, मेरा ये मतलब नहीं था। जैसे वो मेरी माँ है वैसी तुम्हारी भी, तुम्हारा भी उतना अधिकार है उन पर जितना कि मेरा। तुम नहीं जानती मधु, माँ की सेवा करके तुमने उनके और मेरे मन में अपने लिए कितनी इज्जत बना ली है। मगर प्लीज अपना भी ख्याल किया करो, तुम खुद कितनी कमजोर हो गई हो। चलो दवा पी लो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन मधु, वेरी गुड। मुझे तो लगता है मैं वाकई बीमार हो गई हूँ, उसका जब दिल करता है कैप्सूल खिला देता है, विटामिन की गोलियों का ओवरडोज हो रहा है, सारे बदन से कपड़ों से दवाइयों की बदबू आने लगी है, तंग आ गई हूँ मैं। जैसी करनी वैसी भरनी, बीमारी का बहाना तुमने किया था, अभी लौट तो होगा। दवाइयाँ तो बंद हो सकती हैं। झूठ को सच बनाने के लिए कड़वी दवाइयाँ तो तुम्हें पीनी पड़ेंगी। इसका सीधा इलाज ये है कि उसको सब कुछ सच्ची सच्ची बता दो। नहीं, सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा, दिन रात वो जो मेरी सेवा कर रहा है सारी खुश हो जाएगी, अभी तो मजा आ रहा है। ये मजा तुमको बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिसेस पिंटो, आप भी तो इसका साथ मिलकर नाटक करता है, बच्चा का साथ में बच्चा बन गया। हम क्या करेगा मिसेस पिंटो, मधु ने फंसा दिया हमें, हमें तो ये भी नहीं मालूम कल ये बात खुल जाएगी तो हम विशाल को जवाब क्या देगा। इसीलिए तो हम बोलता है कि उसको सब कुछ सच्ची सच्ची बता दो। हाँ यार मधु, बता दो ना सब कुछ। ना बाबा ना, कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी। देखा हम क्या बोलता है और ये क्या जवाब देता है, हम विशाल को बताने का बात करता है और ये बिल्ली घंटी का बात करता है। नहीं नहीं मिसेस पिंटो, जस्ट सेइंग, एक कहावत है, ये बोलता है कि विशाल को कौन बताएगा। हम बताएगा और आज ही बताएगा। आज ही तलाक हो जाएगा। डोंट बी सिली या अंकल, प्लीज डोंट स्पॉइल माय बर्थडे। हाँ ठीक है, कल कितने बजे की मीटिंग रखी आपने? 4 बजे की। 4 बजे और एक्सपोर्ट की डिस्कशन? 1 बजे और लंच के बाद बैंक वालों से। ओके, तो मैं काम करता हूँ, 1 बजे लंच के बाद सीधा बैंक में मिलता हूँ। ओके ओके जी। अरे तुम कब से खड़ी हो? जब से फोन पे बातचीत हो रही है, बहुत बिजी हो गए आप। काम कर रहा हूँ बॉस, आप ही का तो सेवक हूँ। सब खोखली बातें, ठीक है करते रहिए काम। क्यों, क्या बात है? रहने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है, जन्मदिन तो मेरा है ना। जन्मदिन कब? कल है, सोचा था कि खैर जाने दीजिए, तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, अब जन्मदिन क्या मनाना। फिर ख्याल आता है इतनी बीमार रहती हूँ, हो सकता है कि ये आखिरी जन्मदिन हो। मधु, भगवान के लिए फिर कभी ऐसे शब्द मत निकालना, देखना कितना शानदार जन्मदिन होगा तुम्हारा।